हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मेरा भी ब्लॉग तो था मेरे पास, लेकिन मेरा एडिटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था गाइस, कि मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड कर पाऊँ। तो सभी के मतलब कल की जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसको लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। गाइस, मेरी भी तबीयत सही नहीं है, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं 10-5 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दूं और एडिट ना करना पड़े, फिर दोपहर में जो सही लगेगा तो कर लूँगी, तो कल वीडियो आएगी मेरी। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी शादी को लेके, जो डॉक्टर ने मुझसे बोला था, तो मतलब बहुत लोगों के ये क्वेश्चन थे कि दी आप शादी कर लो। बहुत लोगों के क्वेश्चन ये थे कि दी दूसरी शादी बर्बादी है और कंचन दी को देख लो, और शादी को लेके मतलब कि दी आप पहले बहुत बार ऐसी वीडियो बना चुकी हो कि आप दूसरी शादी कर रही हो, क्या सच में कर रही हो कि सिर्फ वीडियो के लिए है। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो में दे दूं और आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं सच में कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो जैसा डॉक्टर ने बोला वो मैंने आपको बता दिया। और रही बात कंचन दी की, तो मुझे नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने भी तो एक दो वीडियो देखे थे, बाकी मेरी तबीयत नहीं सही रहती है तो मैं ज़्यादा किसी के ब्लॉग नहीं देख पाती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि दी उनके साथ में रहेंगी, जीजू के साथ में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि जो इंसान 24 घंटे रहता है उसी को पता है वो इंसान कैसा है। और हर एक इंसान के जैसा दूसरा कोई इंसान होता भी नहीं है हर जगह, तो हम ये चीज़ें नहीं सोच सकते ना, हमें पॉजिटिव रहना है। तो हम जैसे दूसरी शादी के बारे में सोचेंगे भी तो पहले हमारा बच्चा जो मुझे मेरे बच्चे से प्यार करेगा, मैं उससे ही शादी करने के बारे में सोचूंगी, वरना मैं नहीं सोचूंगी। और रही बात अभी अभी मेरी स्थिति नहीं है गाइस ये सब कुछ सोचने की कि मैं शादी कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। बस डॉक्टर ने बोला था, वो चीज़ मैंने आप लोगों के सामने शेयर की थी कि डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि आपका डिप्रेशन ऐसे ही जा सकता है जब तो आप शादी कर लेंगी, इसलिए मैंने आपको ब्लॉग में बोला था कि शादी को लेके, क्योंकि मेरे पास मेरी अनिका है जो मुझसे बोलती है पापा के बारे में। आप लोगों को पता है इस टाइम पे ऐसा हो रहा है कि वो हर मिनट मिनट पे पापा को मिस करती है, और मुझे डर है कि वो कहीं बीमार ना हो जाए। जैसे कल भी मैंने बताया, परसों की वीडियो में भी मैंने ये चीज़ बताई थी, क्योंकि जब वो अनिका हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी वो अपने पापा की ही याद में ही हुई थी, वो बीमार हो गई थी, कुछ खाती पीती नहीं थी। क्योंकि हम हैं तो आप लोगों के सामने रो देते हैं हर एक चीज़ है, लेकिन बच्चा नहीं रो पाता है, इसलिए उसके माइंड में एकदम से घुस जाता है कि नहीं मुझे पापा चाहिए। तो मुझसे बोलती है मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मम्मा मुझसे वो बोलती है कि मम्मा पापा कब आएंगे, अभी तक आए नहीं, कहाँ चले गए। बच्चा और किसी से कुछ भी नहीं कहता, मेरे फैमिली में उसकी मौसी नानू और मामा सबसे हैं, ज़्यादा से वो क्लोज अपने मामा से रहती है, लेकिन किसी से नहीं कहती है, मुझसे कहती है डायरेक्ट, मम्मा पापा कब आएंगे, पापा की याद आती है, हम पापा के बिना यहाँ कब तक रहेंगे, नानी के वहाँ अपने घर क्यों नहीं रहते हैं, पापा कब आ जाएंगे। उससे भी मालूम है कि पापा भगवान जी के पास हैं, लेकिन फिर भी वो पूछती मुझे पापा चाहिए चाहिए। हर चीज़ में रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ बस ये चीज़ें, क्योंकि वो रोने लग जाती है फिर, तो मैं नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मैं रोने धोने वाली वीडियो अब सच में नहीं दिखाना चाहती आप लोगों को। तो आप लोग चाहते हो, आप लोग पूछ रहे हो कि दी हर बार की तरह है वीडियो की आप शादी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो गाइज़ मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, शादी एक तुरंत से लेने वाला डिसीज़न नहीं है। फिर हमारी दूसरी शादी एक ऐसी होती है जिसमें हम बहुत डरते हैं, है ना, और हम हमारे अंदर बस एक यही डर रहता है कि पता नहीं कैसी फैमिली हो या क्या है क्या नहीं, बच्चे को प्यार मिले या ना मिले। अपने बारे में तो हम नहीं सोचते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं सोचते शायद वो जो इंसान मुझे मिलता है वो शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दे, है ना, जो हमारी रह गया है वो पूरा हो जाए।
क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। बहुत इंसान तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको। तो मैं शादी का डिसीजन अभी तो नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी हमारी स्थिति नहीं है गाइस सोचने समझने की। और जब कभी होगा आप लोगों के साथ में तो मैं शेयर ही करूँगी। और जब भगवान ने मेरा बिगाड़ा है, जो भगवान ही बनाना चाहेगा तो बनेगा, वरना तो मैं नहीं जानती कब बनना है कब क्या होना है। मैंने सब कुछ भगवान जी पे छोड़ के रखा है, बस कि वो मेरी लाइफ में क्या करते हैं। और रही बात दूसरी शादी, बहुत लोगों ने कमेंट किया दूसरी शादी बर्बादी। हाँ दूसरी शादी, कोई भगवान ना करे कभी किसी को दूसरी शादी करनी पड़े, क्योंकि दूसरी शादी कोई शादी नहीं होती है जो पहली शादी होती है ना। लेकिन बहुत लोग अपनी शादी दूसरी शादी भी करके खुश हैं। मेरे साथ में बहुत सारी ऐसी लड़कियां जुड़ी थी जिन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अपनी फैमिली के साथ में खुश हैं। उन्होंने अपने दो दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों को भी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, 6-7 महीने भी हो गए हैं उनकी शादी के, कुछ लोगों के 1-1.5 साल हो गए हैं शादी के। वो अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस कि हम दूसरी शादी जो करते हैं तो नहीं प्यार मिलता है, ऐसा नहीं है, किस्मत की बात होती है। और रही बात मेरी, तो अभी गाइस ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला था तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया कि डॉक्टर भी बोल रही हैं कि आप शादी कर लो, शायद आपका डिप्रेशन चला जाए। मैं डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आप लोग हो ना, मुझे प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और मैं खुश हूँ अभी, और अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए वीडियो है नहीं एडिट करने का मन था। और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, मुझे समझने की कोशिश करो गाइस। और शादी का रहेगा तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी, पर अभी मैं शादी नहीं कर रही हूँ। ओके बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।